बेटा आ, सफल बैच का बायो का पेपर हुआ था संडे में उसका सल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं वीडियो सल्यूशन तो इसमें हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे लेकिन जो आ, मेरे पार्ट में था पेपर जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और लिविंग वर्ड इसके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन फिफ्टी से हैं ना फिफ्टी यहां पर 51 जो है उससे हमारे क्वेश्चन है मैडम पहला देखें हाउ मेनी मियॉर्टिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दमेशन ऑफ हंड्रेड फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स एंड हंड्रेड फंक्शनल मेगा स्पोर रिस्पेक्टिवली तो हंड्रेड पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए हंड्रेड पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड होंगे अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ म्योटिक डिवीजन का नंबर ऑफ मियोटिक फॉर पॉलेन ग्रेन फॉर पॉलेन ग्रेन पॉलेन ग्रेन के लिए नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स यह आता है एक्स बाई फोर यहां पर एक्स क्या है नंबर ऑफ पॉलेन ग्रेन है तो यहां पर पॉलेन रख दें आप 100 अपॉन फोर आ जाएगा इट विल बी ट्वेंटी फाइव म्योटिक माइटॉटिक सॉरी म्योटिक डिविजन अब नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन नंबर ऑफ मियॉटिक डिवीजन फॉर इसके लिए आ जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर्स के लिए फंक्शनल मेगा स्पोर्ट्स मान लेते हैं कि फंक्शनल मेगा स्पोर्ट्स एक्स है तो ये फॉर्मूला आता है डायरेक्टली एक्स अब यहां पर क्योंकि ये हंड्रेड है तो ये आ जाएगा हंड्रेड तो आंसर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव एन हंड्रेड एश्योर सीट सेट विल अकर इन तो एश्योर सीट सेट के लिए तीन हमने एग्जाम्पल्स आपको पढ़ा रखे कॉमेलाइना वायोला और ऑक्सैलिस इन तीन में आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सा आंसर आएगा कॉमिलाइना तो कॉमिलाइना आपको ध्यान रखना चाहिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी ऑफ पॉलिन इज कॉल्ड तो ये आ जाएगा पैलिनोलॉजी विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से रिलेटेड कौन सा है इसमें तो इसमें आ जाएगा पहला देखिए पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये भी आउटब्रीडिंग डिवाइस है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ये भी आउटब्रीडिंग है तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट इन पपाया बोथ ऑटोगी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड अब पपाया में पपाया के अंदर डायोशियस कंडीशन होती है पपाया में डायोशियस कंडीशन होगी डायोशियस कंडीशन मतलब एक प्लांट ऐसा होगा जिस पर केवल मेल फ्लावर्स होंगे और एक प्लांट ऐसा होगा जिस पर केवल फीमेल फ्लावर्स होंगे अब तो होगी भी होगी भी इसमें तो ये सही है जीनोगैमी इज प्रिवेंटेड जीनोगैमी प्रिवेंटेड नहीं होगी इसमें तीसरा नॉट प्रनोगी ऐसा नहीं है दोनों प्रिवेंटेड है

स्टिग्मा ऑफ प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन ये भी गलत है पिस्टलिटी टू रिकोगबल और इनकम ये सही है तो थर्ड वन भी फिफ्टी सेवन द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकोगज दॉल फॉलोड बाई एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन अ चांस ऑफ फैक्टर ओनली ड्यू टू सर्टेन प्रोटीन फैक्टर्स ऑफ पेटल तीसरा आएगा द रिजल्ट ऑफ ए कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द पिस्टल एंड दॉल ग्रीन ये ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रोसेस बोथ क्लिस्टोगी क्लिस्टोगैमस एंड चैजमोगैमस फ्लार तो आप जानते हैं कि कॉमेलाइना में भी होता है ऑक्जैलिस में भी वायला भी तो ऑल ऑफ दिस अब आते हैं हम लोग 58 पे सॉरी 59 59 पे आते हैं पिली फॉर्म एप्रेटाज प्रेजेंट टुवर्ड्स चलाजल एंड ऑफ एन ओव्यूल ये नहीं है प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड ऑफ दी सही है एबसेंट इन मोस्ट एंजियोस्पर्म प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म ये गलत है रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट ये सारे स्टेटमेंट और हमें फिर करेक्ट बताने के इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसमें यहां पर पहला देखें बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्मी सेल्यूलर नहीं होगा मल्टी सेलूलर तो ये गलत है इंक्रीज इन बॉडी मास इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रोथ ये गलत है यह भी ग्रोथ ही होता है इंक्रीज इन मास नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो ये बिल्कुल सही है कितने स्टेटमेंट चाहिए ऑप्शन नंबर वन शो एक्सट्रेंसिकेल एज इंट्रेंस दोनों ग्रोथ नहीं शो करता कैन परफॉर्म मेटाबोलिज्म नॉन लिविंग में मेटाबोलिज्म नहीं होता शो इंट्रेंसिक ग्रोथ यह भी नहीं ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट ग्रोथ कैनॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थिंग्स ऑल्सो <coughs> तो सिक्सटी टू का टू हो जाएगा सिक्सटी टू का टू नेक्स्ट देखें सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट ढूंढना है हमें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन ये सही है ये करेक्ट है यूनिसेल ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन ये भी करेक्ट है इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो मल्टी सेल्युलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये बिल्कुल सही है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम डू नॉट ग्रो तो कहते हैं इन एनिमल ग्रोथ इज सीन ओनली अपू अटन सेल ये करेक्ट है।, तो है।, है ये करेक्ट है इन प्लांट ग्रोथ इज सीन ओनली अपू अटन एज एंड नॉट थ्रू आउट द लाइफ थ्रू आउट द लाइफ पाया जाता तो ये गलत है Non things lack the property थिंग्स लैक non प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग लैक तो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ है और मोर देखिंग थिंग लैक द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ पहला ये सही हो जाएगा करेक्ट ये वाला है विच ऑफ दिन इसमें से इनकरेक्ट बताना है रिप्रोडक्शन इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सही है फंजाई कैन रिप्रोड्यूस एक्सुअली यह भी सही है रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म गलत है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसे म्यूल है जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपिल है जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपिल जैसे स्ट्राइल वर्कर बीज स्ट्राइल वर्कर बीज में भी तो ये यह स्टेटमेंट सही नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रेप्लीकेट और रिपोर्ड बाई ये भी सही है हमें इन करेक्ट ढूंढना था यह आ गया रीड देंट ईस्ट एंड हाइड्रा अब इसमें बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं तो ईस्ट एंड हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस एक्सुअली बाई बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग से होता है ये सही है पंजाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्ट दे प्रोड्यूस ये सही है

चार करेक्ट है बेटा इसमें यानी फर्स्ट यानी फोर्थ इसके बाद के सिक्सटी सेवन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म मे नॉट रिप्रोड्यूस है ना मे नॉट रिप्रोड्यूस ये सही है लाइक प्लेनेरिया शो री शो टू रीजनरेशन शो टू रीजनरेशन में नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म मे नॉट रिप्रोड्यूस द ये सही है लाइक प्लेनेरिया शो टू रीजनरेशन ये भी सही है आर सिमिलर टू नॉन लिविंग थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ शोइंग ग्रोथ ये भी सही है तो ऑल ऑफ द अबव 68 देखें इंक्लेमाइडोमोनास एंड अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनमस विद ग्रोथ क्योंकि ये है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल ये सही है मल्टी सेलो ऑर्गेनिज्म में भी फॉर्म्ड ये मल्टी मल्टी सेलो ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉर्म्ड गलत है ग्रोथ डज नॉट अकर बाय इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन मास से ग्रोथ होती है तो ये भी गलत है ये भी गलत है ग्रोथ अकर बाय इंक्रीज इन मास बट नॉट बाय इंक्रीज इन नंबर ये भी गलत है इंक्रीज इन नंबर भी ग्रोथ होती है तो ये अल्टीमेटली क्वेश्चन आंसर वन हो जाएगा अब सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन देखिए इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड ए सेक्सुअली सही है हमें इन करेक्ट ढूंढना है वो एलगी में प्रेजेंट होता, होता है तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यही ढूंढना था हमें यही आंसर है प्रोटोनिम ऑफ मॉसेज इजली मल्टीपाई बाई फ्रेगमेंटेशन प्रोटोनिम ऑफ मॉसिस इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन ये भी सही है ऑल ऑफ तो सब सही है है ना तो इसमें इसमें यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन एलगी सो द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कह रहा है तो इसमें आ जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन 69 नाइन कभी नेक्स्ट देखें आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर अब इसमें देखिए नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग रिएक्शंस देखिए एनसीईआरटी कहती है कि जो

तो अल्टीमेटली मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट आगे देखें नेक्स्ट है इसमें इन फ्लारिंग प्लांट इन फ्लारिंग प्लांट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस कैन बी क्लियरली स्टडीड इन तो इट इज यंग एंथर नेक्स्ट देखें द रिसेप्टिव ऑर्गन ऑफ पॉलन ग्रेन इज द रिसेप्टिव ऑर्गन ऑफ पॉलन ग्रेन इज आप जानते हैं पॉलन ग्रेन कहां जाकर रुकते हैं स्टिग्मा पर तो स्टिग्मा विल बी द आंसर ट इज रोल ऑफ जर्म पोर इन पॉलन ग्रेन जर्म पोर का क्या काम होता है इमरजेंसूब का अब यह इमरजेंस ऑफ प्लि कोई मतलब नहीं है बैगिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इफ आर्टिफिशियल इन्वॉल्वअल फ्लॉवर ये सब वेग आंसर इज ऑल्सो अनसक्सेसफुल तो पहला आंसर सेवनटी सिक्स देख ले सेवेंटी सिक्स सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिफिल फ्यूजन बिकम्स आप जानते हैं जो सेंट्रल सेल होता है सेंट्रल सेल सेंट्रल सेल क्या बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म से आगे जाकर क्या बनता है एंडोस्पर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बन जाता है एंडोस्पर्म और जयगोड क्या बन जाता है एम्ब्रियो तो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो एनी ऑप्शन नंबर फोर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग न्यूक्लियस इज कॉल्ड तो ये देखिए यहां पर सिनगैमी भी आएगा फर्टिलाइजेशन यानी बोथ वन एंड टू इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम न्यूसिलस विदाउट इन्वॉल्विंग एम्ब्रियो सैक स्टेज इज कॉल्ड न्यूसिलस से डायरेक्ट बनना विदाउट इन्वॉल्विंग एम्ब्रियो सैक स्टेज इसे क्या कहा जाएगा तो आप देख लें इसे कहेंगे हम लोग एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनियस स्पोरोफिटिक बडिंग द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन न्यूक् फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल न्यूक्लिया होंगे देखिए में दो ट्रिपल फ्यूजन में तीन तो कितने टोटल पांच यहां देखिए ऑप्शन नंबर थ्री देंडोस्पर्म्लीटली कंज्यूम बाई दीड्स ऑफ स्किन के सीड्स में तो कहते हैं डी पी एंड बीन इसीलिए यहां पर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है 82 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्थिनोकार्पी तो यहां पर आ जाएगा क्सीजन एंड जिब्रेलिक एसिड इज यूज टू इंड्यूस पार्थिनो कार्पिक सही है इट इज ऑफ़ फ्रूट विदाउट फर्टलाइशन सही है आउटर इंटेगमेंट ऑफ अल डेवलप इंटू टेस्टा तो इसमें क्या हो जाएगा यह सही है द इनर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप इंटू टेगमेन

कहते हैं जाइगोड बनेगा मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से अब यहां पर अगर आप देखें तो हेक्साप्लॉइड प्लांट है इट इज गेट्स पॉलिनेटेड बाय एन ऑक्टाप्लाइड इसका मतलब ये फीमेल प्लांट है और ऑक्टाप्लॉइड वाला मेल प्लांट है अब मेल प्लांट मेल गैमिट बनाएगा मेल गैमिट ये एट एन है आधा हो जाएगा दैट इज फोर एन और साथ में यहां पर फीमेल गैमिट कौन बनाएगा फीमेल प्लांट ये सिक्स एन ए जाएगा थ्री एन फोर एंड थ्री एन अल्टीमेटली कितना आ जाएगा एम्ब्रियो सेवन एन अच्छा एंडोस्पर्म कैसे बनेगा एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बनता है है ना ट्रिपल फ्यूजन में क्या होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई दो पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे और एक क्या होता है मेल गैमीट ये तो होता है अच्छा भाई दो पोलर न्यूक्लियाई कहां पे होंगे कहते हैं फीमेल सिस्टम में तो ये इसका आधा कर लीजिए थ्री एंड थ्री एन तो थ्री एन

देखिए इसमें इंटरनल फिजियोलॉजी भी, भी आता है ऑर्गेनिजम्स है दो चीजें आती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनवायरमेंट इंटरनल फिजियोलॉजी हैबिटेट तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब इसमें आएगा देखिए ए सेक्शुअल प्रोडक्शन कैन अकर विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन तो ये बिल्कुल सही है हमें करेक्ट निकालने लास्ट में है ना करेक्ट बताना है पहला सही है सेक्शुअल प्रोड्यूस जेनेटिक वेरियबिलिटी करेक्ट है और सेक्सुअल प्रोडक्शन टू ए सेक्शुअल को एक नहीं होता है ए सेक्सुअल को एक होता है तो यह भी इनकरेक्ट आ गया तो करेक्ट कौन का है

Which are are so, ये जो, है में जो बनते हैं क्लोन्स होते हैं so, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा करेक्ट है टू डॉटर सेल्फ प्रोड्यूसल्स माइटॉसिसन होते हैं यह गलत स्टेटमेंट है द टू प्लाज्मिक डीएनए प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए पेरेंट प्लाज्मिक डीएनए कैन नॉट बी टर्म डीन क्लोन ये भी गलत है तो अल्टीमेटली सेकेंड ऑप्शन विल भी करेक्ट इन

मैच दी कॉलम कॉलम वन कॉलम टू देखिए जू स्पोर किसमें आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास में कोनिडिया किसमें आ जाएगा पेनिसिलिया में जेम्यूल किसमें आ जाएगा स्पॉन्जेस में बर्ड किसमें आ जाएगा हाइड्रा में अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा नाइनटी वन का डी ये अलग देखिए यानी फोर्थ तो देखिए द फॉर्मेशन ऑफ राइजोम सकर ट्यूबर ऑफसेट एंड बल्ब ये आ जाएगा देखिए इज एसेंशियली बाई पेरेंटल नहीं यूनी पेरेंटल होता है डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट सही बात है होता है ये बात सही है में अकर इन एलगन जाए ये गलत है ये जितना ऑफसेट बल्ब ट्यूबर राइजोम होता है एंजियोस्पर्म में होता है एसेंशियली रिक्वायर गैमीट इन्वॉल्वमेंट ये भी गलत है तो सही हो जाएगा डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स टेरर ऑफ बंगाल टेर ऑफ बंगाल में देखिए इज द मोस्ट इन्वेजिव टेरेस्ट्रियल वीड ये गलत है टेरेस्ट्रियल नहीं होता है एक्वेटिक होता है स्टेटमेंट इसलिए गलत है वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर इट्स गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट नहीं ये भी गलत है इनको इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था गलत दिया हुआ फिर इस स्लो ग्रोइंग एक्वेटिक वीड फास्ट ग्रोइंग एक्वेटिक वीड है यह भी गलत है तो यह हो जाएगा टेरर ऑफ बंगाल इज आईकॉर्निया फॉलोइंग इज करेक्ट ए सेक्सुअल रिडक्शन इज कॉमन मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स ये बेटा मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जो है सेक्शुअल रिपोडक्शन होता है तो ये गलत है इन एलगियन फंजाइस फ्रॉम ए सेक्शुअल टू सेक्शुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन अकर जस्ट बिफोर दर्स कंडीशन ये सही है है ना इसके बाद देखिए सेक्शुअल कह रहे हैं ना हाँ ठीक है ए सेक्शुअल मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज एबसेंट इन हायर प्लांट्स तो ऐसा नहीं है हायर प्लांट्स में एनजीओस पर सेक्शुअल मेथड होता है ये भी गलत है ऑल एनिमल पोजेस ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी गलत है तो आंसर सही हो जाएगा एल्गी एंड फंजाई वाला ठीक करेक्ट ढूंढना था मैं बर्डिंग इन ईस्ट फाइनली प्रोड्यूसेस न्यू प्रोजेनिस दिस मेथड प्रोड्यूस अब देखिए बर्डिंग इन ईस्ट की बात हो रही है यहां पर बेटा देखिए यहां पर क्या है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग व्हिच कैन बी कॉल्ड क्लोन सही है एसेक्सुअल मेथड है इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी सही है एक्चुअली रिलेटेड टू पार्थिनोजेसिसक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर की जाएगी तो इस सब में हमने आपको बताया पांचों किंगडम में सेक्शुअल प्रोडक्शन होता है किंगडम मोनेरा में भी प्रोटेस्टा में भी प्लांटी में, में भी और एनिमेलिया में भी एनिमल प्लांट प्रोकैरियोट्स सब आएंगे ऑल ऑफ द इनकरेक्ट मैच स्पॉन्जेस में जेम्यूल तो तो ये तो सही मैच है पोटैटो में ट्यूबर ये भी सही मैच है वाटर हाई ऑफसेट ईस्ट में बल्ब ये गलत है यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इनकरेक्ट है अब रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट और हमें करेक्ट बताने आईकॉनिया कॉन्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू तो दॉटर बॉडी विच रेड्यूसेज द मोर्टैलिटी ऑफ फिशेज ये गलत है और ऑक्सीजन पी जाता है जिंजीवर यानी जिंजर वेजिटेटिवली प्रोबेट टैप रूट यहां पर राइजोन के थ्रू यह ये करता है राइजोन के थ्रू ना? है ना राइजोम के थ्रू लिया जाता है ये तीसरा देखिए फ्लैसी बर्ड फ्लैसी बर्ड विस्टेक टेक पार्ट इन वेजिटेटिव ये सही है पोटैटो ट्यूबर है इसके हिसाब से कौन कौन सा सही हुआ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन नंबर टू वॉट इज ट्रू फॉर स्ट्रक्चर मार्ग एक्स इन दी डायग्राम गिव बिलो यहां पर एक्स के बारे में बात की जा रही है ये क्या है तो देखिए यहां पर X रिप्रेजेंट I, ये है बेटा देखो ये आई की बात चल रही है देखो pen change कर दें, ये वाला जो structure है ये, ये वाला जो जो है है इस तरह से I बनी रहती ना पोटैटो में जो गड्ढे होते हैं तो X रिप्रेजेंट टर्मिनल वर्ड ये गलत है तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी एंड पंजाई अशिफ फ्रॉम ए सेक्शुअल प्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन

इस सोल्यूशन में मैंने 51 से लेके 100 तक दिए जो टॉपिक्स मेरे मेरे टॉपिक्स uh, में से जो क्वेश्चंस थे उसमें से हमने इसका सोल्यूशन दिया बेटा चलिए थैंक यू वेरी मच